महादेवी वर्मा। जाग तुझको दूर जाना, चिर सजग आंखें उनींदी आज कैसा व्यस्त बाना। जाग तुझको दूर जाना, अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग कर विद्युत शिखाओं में निथुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। व्याख्या। कवयित्री देशवासियों का आह्वान करती हुई कहती है कि तू जाग जा, तुझे बहुत दूर जाना है। तुम तो निरंतर जागरूक रहते हो, आज तुम्हारी आंखें उनींदी क्यों हैं और तेरी वेशभूषा भी इतनी अस्त व्यस्त क्यों हो रही है? तेरा लक्ष्य अभी बहुत दूर और मार्ग भी लंबा एवं बीहड़ है। इस लंबे और कठिन मार्ग पर चलने के लिए आलसी का त्याग करना होगा। मार्ग में चाहे कितनी ही विपत्तियां क्यों ना आए, अचल और दृढ़ हिमालय के कठोर हृदय में भले आज कितने कंप क्यों न होने लगे, अथवा मौन आकाश से भले ही प्रलयकारी आंसू क्यों न बहने लगे, आकाश भले ही रोले, पर तुझे रुकना नहीं है। चाहे चारों ओर अंधकार कितना ही घना होकर क्यों न छा जाए और वो रोशनी को भले ही मिटा दे, अथवा बिजली की गड़गड़ाहट और भयंकरता में कठोर एवं नाशवान तूफान क्यों न घिराए, परंतु तुझे नाश के पथ पर अपना अमर बलिदान देकर अपने अमर निशान छोड़ने होंगे, ताकि अन्य उनका अनुसरण कर सके। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले। तू न अपनी छांव को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। व्याख्या। कवयित्री स्वाधीनता संघर्ष में भाग लेने जा रहे वीरों को संबोधित करते हुए कहती है, क्या यह मोम के कोमल और सुंदर बंधन तुझे बांध लेंगे, अर्थात तुझे इनके कोमल बंधनों में नहीं बंधना। रंग बिरंगी तितलियां, सुंदर युवतियां तेरे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास करेंगी, उनके बहुरंगी पंख तेरे मार्ग की रुकावट न बन पाए। भौरों की मत भरी मधुर गुनगुनाहट क्या चारों ओर गूंजते रोते चीखते हुए विश्व के रोदन को भुला सकेगी। फूल के दलों पर फैली ओस क्या तुझे डुबो देगी, अर्थात यदि तू दृढ़ प्रतिज्ञ हो तो ये सब आकर्षण धरे के धरे रह जाएंगे। अतः तू अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपनी ही परछाई को अपना बंधन मत बना लेना। तुझे तो बहुत आगे जाना है, तुझे तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर जागरूक रहकर केवल आगे बढ़ते जाना ही है, यही तुझसे अपेक्षा है। वज्र का उर एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की वात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। व्याख्या। आज यह निराशा उदासीनता और अकर्मण्यता तुझ में क्यों समा गई है, बता क्या कारण है कि विभिन्न प्रकार के कष्टों को झेल जाने वाला तेरा ये कठोर मन किसी करुणामय याद को लेकर आंसू रूपी मोती से धुलकर गल रहा है। तू अपने जीवन की अमरता सुख शांति और आनंद देकर किससे और कहां से दो घूंट शराब की मांग लाया है? क्या आज जीवन की सारी भावनाओं की आंधी सुगंधित पवन का सहारा लेकर सो गई है? तू कोमलता के आगोश में आकर अपनी क्रांतिकारी प्रवृत्ति को खो बैठा है, आज तुम्हारी तीव्र अनुभूतियों में शीतलता और धीमापन क्यों आ गया है? क्या समस्त विश्व का दुख ही चिरंतर निद्रा और आलस्य बनकर तुम्हारे पास आ गया है? क्या कारण है कि यह जीवात्मा जो अमरता का ही अंश है उसे त्याग कर मृत्यु अथवा नाश को अपने हृदय में बसा लेना चाहता है? अतः तुझे तो निरंतर अपने पथ पर अग्रसर होते चले जाना है, तेरा रास्ता बहुत लंबा है, तुझे बहुत दूर तक जाना है। कहना ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आघो उर में तभी डूब में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख क्षणिक पतन की है अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। व्याख्या। कवयित्री ऐसे प्राणियों से जो वेदना पीड़ा और करुणा को ही जीवन का आधार मानते हैं, उनसे कहती है कि उस विरह वेदना तथा व्यथा की कहानी को भुला दो और बिना ठंडी आहें भरे बिना किसी को कुछ कहे अपने मार्ग की ओर बढ़ते रहो। यदि तुम्हारे हृदय में आग उत्साह होगी तभी तुम्हारी आँखों में आंसू सज पाएंगे, क्योंकि मन में जितनी दृढ़ता होगी उतना ही आँखों में आत्मसम्मान की भावना आएगी। यदि ऐसी स्थिति में तुझे हार का भी सामना करना पड़ा तो भी वो तेरे लिए स्वाभिमानी की विजय पताका के समान होगी, तेरा स्वाभिमान हार के बावजूद बना रहेगा। प्रेमी पतंगे के बलिदान के बाद उसकी राख ही उसके अमर दीप के प्रेम का संकेत है, तुझे भी पतंगे के समान अपना बलिदान देना है। हे क्रांतिकारी,
तुझे तो अंगारों की सेज पर कोमल कलियों भावनाओं को बिछाना है। बलिदान के पथ पर अपनी कोमल भावनाओं को न्योछावर कर देना होगा। तू जाग जा, तुझे अभी बहुत दूर जाना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए एंड हमारी इस मेहनत के लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।